स्टार्ट। एक सेकंड एक बच्चों ध्यान दीजिए सर, ध्यान दे रहे सर, इतना ज्यादा मत दो। स्टार्ट। या नमस्कार बच्चों, ये कोई नमस्कार कर लो। तो आपने देखा कि 2014 के चुनाव में मैंने कहा था कि इस बार जो है ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है। मैंने कहा था ये बात ना? मैंने ये बात कही थी। अच्छा गौरव खड़े हो, क्या बात है, बड़ी लाली चमक रही, रात को सोए नहीं थे? रात में तुम्हारे बारे में सोच रहे थे। खैर हम आगे बढ़ते हैं। इस बार के चुनाव में जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं झटका खाएंगे और मोदी जी आएंगे। अब सवाल ये उठता है कि मोदी जी के आने से कितने बदलाव होंगे, कितने नहीं होंगे। तुम खड़े हो जाओ सुन, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? आप क्लास में नहीं है? नो, आप क्लास में है नहीं, रात में जल्दी सोया करिए। खैर हम लोग बात से हट गए थे, कहाँ पर थे आप, कहाँ पर थे? चुनाव लेकिन आप ये बताइए कि भारत का जो वो है राजनीतिक तस्वीर, वो कहाँ जा रही है? आज भारत की राजनीतिक तस्वीर कहाँ पहुंच चुकी है? आप बताइए, आप खड़े हुई है, आप बताइए, मोदी जी आप बहुत हैं, आप बताइए भारत की राजनीतिक तस्वीर के बारे में दो शब्द कहिए। कहिए कुछ तो कहिए, ये जर्नलिज्म के स्टूडेंट है। तालियां बजाते रहेंगे और जो यहाँ पर गुटबाजी बहुत हो जाएगी बच्चों में, मैंने देखा है यहाँ बच्चे गुट बनाते हैं आपस में। इसे अब फेयरवेल पार्टी देनी है, क्या हो जाएगा 300 रुपए में? आपको फ्रेशर नहीं मिली तो क्या आप उन्हीं की तरह करेंगे, ये बताइए? फिर उनमें और आप में फर्क क्या रह जाएगा? कौन कौन देने को तैयार है, जरा हाथ खड़े करते, तुम ऐसा काम करूंगा। आप देंगे फ्रेशर पार्टी? मैं फेयरवेल की बात कर रहा हूँ, फेयरवेल देना चाहेंगे? खैर चलिए वो भी बात छोड़ते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं। हाँ भैया, इंसान के अंदर जो मेन चीज है वो होनी चाहिए सिंपल सिटी। सिंपल सिटी बिकॉज ये बहुत जरूरी है। आप अपनी वोकैबुलरी बढ़ाइए ना। सॉरी सॉरी अगर कुछ गड़बड़ हो गया उसके लिए सॉरी। आप मौका पाते ही हंस देते हैं। जब हम पढ़ते थे हमारे जमाने में, एक बार मैं आपको बात बताता हूँ, मैं जब दैनिक जागरण काम कर रहा था, मैं ट्रेन में जा रहा था, दैनिक जागरण में काम करता था, इस बात पे जोर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल केशव जी, आप बड़े हंसते हुए नजर आ रहे हैं, ये सिटी किसने बनाई थी इससे? तो जब मैं दैनिक जागरण में काम करता था तो मैंने कभी भी एक नया पैसा किसी से घूस नहीं ली, अपने आप अपना काम किया, जो खबर लेके आया बड़ी खबर आई मेरे पास में, और लोग आए मेरे पास, उन्होंने कहा सर 5,000 ले लो, 10,000 ले लो, ये खबर ना छापो। मैंने साफ मना कर दिया, मैंने कहा 11 में बात करनी हो तो बताओ। बिल्कुल बिल्कुल लोग बदलते हैं, फ्लेक्सिबल होना जरूरी है लाइफ में। अगर आप जॉब लाइन में जाओगे, अबे काहे के लिए जॉब करते हो यार ये बताओ, तुम मुझसे क्लास के बाद मिलना सिमरन, ठीक है? क्लास के बाद मिलना, तुम्हारा ध्यान फोन पे, तुम यहाँ नहीं हो, व्हाट्सएप चला रहे। खैर मैं नुक्कड़ नाटक करवाने वाला हूँ, जिन बच्चे को उसमें दिलचस्पी हो। क्या कह रही हूँ उधर, आप खड़े होके कह रही थी, कुछ कह रही थी पीछे से। खैर वाला बहुत हाल हो गया, हमारे क्लास में गुटबाजी हो रही है, ये हमको बिल्कुल नहीं पसंद है। हम बच्चों को चाहते हैं जोड़ना, आपस में बच्चे जुड़े, टूटे नहीं, तभी हम उनको अलग अलग बुला के समझाते हैं। आप उसे मिलिएगा। मैं पार्शियलिटी बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। शिवांगी तुम मेरे क्लास में कुछ भी करो, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा, बाकी सब करेंगे मैं डांट दूंगा, ठीक है? जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो खाना खा सकती हो, बाकी कोई खाएगा तो मैं उससे कुबेर मंगवा लूंगा। ठीक है बच्चों, अटेंडेंस हो जाएगी, अटेंडेंस मुझे लिख के दे देना पर्चे पर।